नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समददार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस का बिजनेस हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग पसंद करें, आपके बिजनेस को पसंद करें और आपका बिजनेस सही चल रहा है, लोगों को पता चले और वो आपके बिजनेस में पैसा लगाना चाहें, क्योंकि अगर वो चाहेंगे नहीं और खाली आप मेहनत करते रहेंगे तो फिर कोई भी पैसा लगाएगा नहीं, उल्टा आपसे लोग भागने लगेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलेंगे भैया मेरी बिजनेस बहुत बढ़िया है, मेरे को खाली पैसे की जरूरत है, तू बस दे दे पैसा और मेरा बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको आज 5 इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जिसके कारण आप अपने बिजनेस को लेवल अप भी कर सकते हो, गुडविल भी बढ़ा सकते हो, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट भी कर सकते हो और 100% इन्वेस्टमेंट क्रैक भी कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा और सारे चीजों को नोट जरूर करिएगा। बिजनेस मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब है कि अपना जो बिजनेस है उस बिजनेस को, जैसे अगर आप सोचो कि आप इन्वेस्टर हो, आप किसी के जगह पर जाकर देखना चाहते हो कि यार क्या मस्त बिजनेस बनाया है, क्या मस्त ऑफिस बनाया है, क्या मस्त काम कर रहा है, क्या मस्त कल्चर है, हर चीज जो दूसरे देखेंगे उस नजरिए से सोच के अपना जो पहला ऑफिस, पहला बिल्डिंग, पहला जो वर्क प्लेस है उसको शानदार बनाइए। उसमें पूरा जो डिजाइनिंग हो गया उस पर ध्यान दीजिए, उस पर उसके कलर पे ध्यान दीजिए, अपने एम्प्लॉयज के ड्रेसअप पे ध्यान दीजिए, उनके व्यवहार पे ध्यान दीजिए, उनका ट्रेनिंग मोटिवेशन पूरा बराबर करके रखिए, सबको अपना काम पता रहना चाहिए, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन में है उसको मजा आ जाना चाहिए। तो वो है बिजनेस मॉडलिंग। इसका मतलब एक मैंने बनाया अपना ऑफिस, एक बिजनेस मॉडल बनाया जिसको देखकर कोई भी कभी भी अट्रैक्ट हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजन, मिशन और कंपनी के बारे में जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है इसको बनाना। इसको बनाना सिर्फ नहीं है, इसको बनाकर अलग अलग मंच खोजना जहां पर जाकर आप बता सको और अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इस चीज को हर जगह पर प्रिंटेड में लगा दो, सबके जुबान पर होना चाहिए कि हमारी कंपनी का विजन क्या है, सोच क्या है, मिशन क्या है, कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी और कंपनी आगे बढ़ेगी तो सारे एम्प्लॉयज भी गर्व से बोलना चाहिए कि मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ और ये कंपनी के साथ रहने से मुझे फ्यूचर में फायदा होगा। तो जो वहां पर नौकरी नहीं कर रहा है उनको इंटरेस्ट आ जाएगा, जो वहां पर पैसे नहीं लगाएगा उनको लगेगा यार मेरा भी ऐसा बिजनेस होता है या मैं इनके साथ कनेक्ट हो सकता तो बहुत मजा आता है, मैं भी तो दीपंकर सर को जानता हूं, चलो दीपंकर सर से एक बार बात कर लेता हूं और उनसे पूछता हूं कि क्या कुछ पॉसिबिलिटी है कि इनका कोई और ब्रांचेस आ जाए, कहीं पर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं, क्योंकि ये बिजनेस बहुत अच्छा व्हाइट कॉलर बिजनेस मुझे करना है, अगर दीपंकर सर बोल दें तो मजा आ जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनिक डिजिटल मीडिया और पब्लिक रिलेशन डेवलप करना। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि आपको हमेशा यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अच्छी जानकारी देना है, आपके जो बिजनेस सेक्टर ऑफ बिजनेस है उसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना है जो लोगों को या तो पता नहीं है, फिर जानकर बहुत खुशी होने वाली है, और जो टेस्टिमोनियल्स है वो देना है, और हो सके तो जेन्युइन अवार्ड्स रिवार्ड्स और आपके जो अच्छे कस्टमर है उनके बारे में जानकारी देना, उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है जिससे लोगों को लगे कि यार ये एकदम परफेक्ट चीजें बोल रहा है, केवल अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा है, केवल ऐसा पोस्ट नहीं भेज रहा है जो कि हर कोई कहीं ना कहीं क्या होता है, लोग डिजिटल मीडिया को ऐसा लगता है कि ना ड्यूटी निभा रहे हैं, चल यार वेबसाइट बना ले, डिजिटल मीडिया का कितना पैसा लोगे, लेकिन उसमें क्या होने वाला है वो डिस्कशन नहीं करते, उससे आउटकम क्या आएगा वो डिस्कशन नहीं करते, वो कितना अच्छा रहेगा वो डिस्कशन नहीं करते, वो यूजर के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि नहीं वो डिस्कशन नहीं करते, आप करिएगा राइट। आप ना वीकली 15 दिन में, महीने में छोटा छोटा सेलिब्रेशन, छोटा छोटा प्रोग्राम रखिए जिसमें आप ना अच्छे अच्छे लोगों को बुलाइए, किसी ऑफिसर को बुलाइए, किसी IG को बुलाइए, किसी पुलिस कमिश्नर को बुलाइए या फिर कलेक्टर को बुलाइए या फिर आपके ही समाज के किसी अच्छे व्यक्ति को बुलाइए, इसके अलावा जितने भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है उनको बुलाइए और उनसे कुछ मांगना नहीं है, उनको बोलना है कि सर आइए और हमारे ये बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक ये है, बेस्ट कल्चरल एक्टिविटी इन्होंने किया, सबसे अच्छा फीडबैक मिला वो मिस्टर एक्स को मिला हुआ है, इसी कारण इनको अवार्ड दीजिए और उनका सोशल मीडिया में उनका प्रमोशन कर डालिए, आप जबरदस्त उसको बूस्ट कर दीजिए तो उनको लगेगा कि यार मुझे बहुत अच्छा रेस्पेक्ट मिला इस ऑर्गेनाइजेशन में, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा कल्चर भी है, यहाँ बिजनेस भी अच्छा हो रहा है, बढ़िया जगह है, तो वो क्या गुडविल कहीं ना कहीं पे शेयर करता है। और बातों बातों में अगर आप बोल सको कि सर अभी इसको फैलाना है, ये तो अभी स्टार्ट किया लेकिन स्टार्ट में ही इतना अच्छा है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में अगर हमारे साथ 3-4 साथी जुड़ जाएंगे तो जरूर हम लोग कम से कम 100 ब्रांचेस अगले आने वाले 5 साल के अंदर में खोल लेंगे और सारे प्लान और सारे प्रॉफिटेबिलिटी सब रेडी है। चाय के दौरान सरसरे बताइएगा, उनको ये ना लगे कि आप उनको प्रोस्पेक्ट समझ रहे हैं, आप केवल एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो कि स्प्रेड आउट होगा उनके मुंह से और हर जगह पे सोशल मीडिया में सबके व्हाट्सएप स्टेटस में उनके साथ में बिताए हुए जो लम्हों के फोटोग्राफ्स है उसको जरूर आप शेयर करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फ्लुएंसर्स का यूज करिए और एक्सपर्ट सर्विसेज लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं जिनके
लिए इन्वेस्टर की मीटिंग हम लेने जाते हैं, जिनके लिए इन्वेस्टर को सारी चीजें समझाकर उनके साथ में डॉक्यूमेंटेशन का पूरा काम करने जाते हैं, हम एंड टू एंड उनका हेल्प करते हैं, उनके बिजनेस प्लान बना कर देते हैं, उनके बदले नेगोशिएशन करते हैं, उनके बदले सारे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उनके जितने मीटिंग्स होते हैं उसमें इन्वेस्टर के साथ में पूरा बातचीत करते हैं, डीलिंग करते हैं, और फाइनली जितने डॉक्यूमेंट्स और कमिटमेंट्स है वो हमारा क्लाइंट ही प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये हुआ आपका क्लाइंट, लेकिन हम आपकी मदद करते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर के जरिए हो चाहे एक्सपर्ट के जरिए हो, आप ऐसी मदद ले सकते हैं प्रोफेशनल लोगों से ताकि आपको इन्वेस्टर मिले और दम से मिले, और कोई फेक कमिटमेंट की जरूरत नहीं है। आप अगर ये 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं कोई नहीं रोक सकता आपके यहाँ पे इन्वेस्टर को आने से। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का मदद हमारी चैनल करना चाहती है। बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।